नए कानून लागू होते ही सादड़ी थाना में पहली FIR दर्ज। देश में नया कानून सोमवार से लागू होते ही देसुर उपखंड क्षेत्र के सादड़ी थाना में पहली FIR दर्ज की गई है। यह प्रदेश में नए कानून के लागू होने की पहली FIR है। सादड़ी थाने में FIR नंबर 117/2024 सोमवार को प्रातः दर्ज की गई है। मामला सादड़ी थाना क्षेत्र के मोरखा ग्राम का है। खेत से ट्रैक्टर निकालने के बाद से नाराज होकर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर ले जा रहे व्यक्ति पर लाठी से वार कर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने सादड़ी अस्पताल पहुंचाए, चिकित्सकों ने उपचार किया। सादड़ी थाना अधिकारी चंपाराम मेघवाल ने बताया कि मोरखा निवासी मदनलाल ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह ट्रैक्टर चलाता है, ग्रामीणों के खेतों में किराए से खेतों की खड़ाई करता है। 30 जून को उसने गांव के सरदार सिंह के खेत में भी खड़ाई की। इस खेत के निकट सुमेर सिंह का खेत है। ट्रैक्टर को उसमें से निकालने की बात पर सुमेर सिंह नाराज हो गया। सोमवार प्रातः सुमेर सिंह ने ट्रैक्टर लेकर जा रहे मदनलाल को रुकवाकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट में मदनलाल को सिर व हाथ की कोहनी में चोट आई। पुलिस ने BNS की धारा 115 के भाग 2, 126 के भाग 2, 324 का भाग 4, 324 के भाग 5 में मामला दर्ज किया है, जबकि ये धारा पूर्व में 323, 341, 427 IPC में दर्ज होती थी। आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है पूरे भारत में लागू हुआ है। राजस्थान में पुलिस थाना सादड़ी जिला पाली में इस तरफ का जो ये नए कानून के पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें परिवादी श्री मदन लाल निवासी मोरखा का, उसने मोरखा गांव के ही सुमेर सिंह पर आरोप लगाया कि वो सुबह ट्रैक्टर लेके जा रहा था। सुमेर सिंह ने उसको रोका और लाठी से उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। नए कानून के तहत हमने धारा 115(2), 126(2) और 324(4 और 5 इसमें मुकदमा दर्ज किया है और उसका अनुसंधान किया जा रहा है। जागरूक टाइम्स के लिए देसूरी से दिलदार भाटी की रिपोर्ट।